एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पर। मैं हूं मुन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुन्नाज टॉक शो। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो अदिति है और साथ में अदिति की मम्मी है। तो अदिति आज मेरे साथ में क्यों है और इसकी मम्मी मेरे साथ में क्यों है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरा जो चैनल है वो इंटरव्यू का चैनल है और आए दिन हम बच्चे लोग से बात करते रहते हैं और बच्चे से बात करना मेरी हॉबीज है। अगर कोई हमें बच्चा लगता है कि नहीं इनके पास में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, कुछ अलग कर रही है, तो उनसे बात करने की जो क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बढ़ जाता है और हम कोशिश करते हैं कि कैसे इस बच्चे के पास में पहुँचे और इनके मन की बातों को जाने कि कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं बनना चाहते हैं, कैसे वो इस सफर तक पहुंचे हैं। तो इन्हीं सिलसिले में आज हमारे साथ में अदिति है। अदिति नवोदयन स्टूडेंट है और इस वक्त क्लास 8th में पढ़ती है और मधेपुरा नवोदय में जो है इसका नामांकन हुआ है। 2020 में इसका सिलेक्शन हुआ था और कोविड के वजह से 2020 में ये नहीं जा पाई, तो 2021 के लगभग नवंबर अक्टूबर में जो है ये वहाँ पर शिफ्ट हुई है और गर्मी की छुट्टी अभी चल रही है तो अदिति घर पर आई हुई थी और मुझे पता चला तो मैंने अदिति से कॉन्टैक्ट किया कि बाबू हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ लीजिए, तो ये लोग एग्री थे। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम अदिति के घर पर मौजूद हैं, साथ में अदिति की मम्मी हमारे साथ है। तो शुरू करना चाहेंगे हम अदिति की मम्मी से। तो सबसे पहले तो अदिति की मम्मी और अदिति को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। आंटी जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि अभी के समय में जैसा परिप्रेक्ष्य हमारे बिहार में बना हुआ है, खास करके कि माँ चाहती है, पापा चाहते हैं कि बेटी घर से बाहर ना जाए, बेटी को घर में रखा जाए, पर्दा पर्दा में रखा जाए, बेटी को घर से बाहर नहीं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा बड़ा कदम उठाया कि बेटी को घर से बाहर जाके पढ़ाना लिखाना, फिर उसको इस काबिल बनाए कि भारत की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि जो जूनियर लेवल में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है नवोदय की, एक समय में मेरा भी सपना था कि हम नवोदयन बने लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाए, लेकिन आज ऐसा दौर है कि हमें बहुत सारे नवोदयन बच्चे से मिलने का मौका मिलता है और आप उनकी मम्मी है, कैसा फील कर रही है? कई कब सोची थी कि बच्चे को नवोदयन स्कूल में भेजना है, उनकी तैयारी करवानी है, कब आपके दिमाग में आया? इन सब बातों को जरा हमारे कैमरा के सामने बताइए जी। एक्चुअली जब ये पैदा ली तब से मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी को नवोदय में डालूं जी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर जो है वो सुपौल नवोदय से पास आउट हुई है और वो आज बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर है सीतामढ़ी में। अच्छा, वो अपना क्लिनिक ओपन कर चुकी है। तो उसको देख के मुझे शुरू से ये इच्छा थी कि अगर मेरी बेटी हो तो मैं नवोदय में डालूं। और जब ये स्टैंडर्ड 2 में थी तभी से मैं इसे प्रिपेयर कराना चाह रही थी, बट इसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हिंदी मीडियम में उसमें मतलब तैयारी करना होता है और मैंने इसे एक बार भेजा भी बट इसे समझ में नहीं आया। फिर ये स्कूल ज्वाइन कर ली, फिर जब ये 4th-5th में गई तो मुझे लगा नहीं फिर एक बार ट्राई करना चाहिए, तो इसे मैंने फिर एक बार तैयारी के लिए भेजा, लेकिन इसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था क्योंकि हिंदी मीडियम से था और शुरू से ये CBSE बोर्ड से पढ़ी थी जी, तो थोड़ा तो दिक्कत आई लेकिन मेरी बेटी पढ़ने में काफ़ी तेज थी तो टेकअप कर ली। तो कैसा अभी महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हमें लगता है कि किसी भी पार्टी किसी भी ओकेजन में जाती होगी जब आपसे कोई पूछते होंगे या आप बताते होंगे कि मेरी बेटी नवोदयन है या आपको कोई पूछते होंगे तो काफी ज्यादा प्राउड फील होता होगा। बहुत बहुत ज्यादा। तो मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा गर्व है मेरी बेटी पे और खासकर मुझे तो बहुत ज्यादा। तो इनकी पढ़ाई लिखाई आप जो नवोदय की ये तैयारी कर रहे थे तो कहाँ से, घर से करवाए या बाहर से करवाए? यहाँ त्रिवेणीगंज घर से ही करवाए क्योंकि लड़की थी जी, तो बाहर बच्ची भी थी, बाहर भेजना थोड़ा डिफिकल्ट था तो घर में ही रह के और मेरे देख रेख में मैं भी इसे पढ़ाती थी शुरू। अच्छा, से मतलब आप भी इनको सपोर्ट के साथ ही साथ जो 3-4 स्टैंडर्ड तक तो मैं खुद पढ़ाई, उसके बाद धीरे धीरे अपना पढ़ने लग गई। तो अदिति हमारे साथ मौजूद है। अदिति, हमें ये बताइए कि आपको लगा था कि हम नवोदय का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे या उस स्कूल में जा पाएंगे और उस स्कूल में अभी वर्तमान समय में आप पढ़ाई कर रही है, कैसा महसूस कर रही है? यहाँ पे आप घर पे पढ़ती थी, अपने घर के स्कूलों में जाके पढ़ती थी और वहाँ पढ़ती है, क्या क्या अंतर लग रहा है, कितना चेंज अपने आप को आप महसूस करती हैं, ज़रा हमें बताइए। मैं जब 5th क्लास में थी तो
हमने तो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी थी, अचानक से जैसे कि एक चेंज आ गया, हिंदी में बुक्स होती थी ना वो देके प्रिपरेशन के लिए, तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लाइक कि उसमें अलग अलग वर्ड्स होते थे जैसे मैथ्स में, तो थोड़ा समझने में, लेकिन बिकॉज ऑफ मुर्शिद सर ये आसान हो पाया क्योंकि उनकी गाइड में अच्छे से हमने तैयारी करी। जैसे मैं 5th क्लास में गई तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पे MB मेमोरियल है, मेरे पापा को पता चला जी। और वो संतोष सर उनके डायरेक्टर हैं और उनके स्कूल में ही जो है मुर्शिद सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं गई वहाँ पे, मैंने टेस्ट दिया, संतोष सर ने मेरा टेस्ट लिया तो उन्होंने बोला ठीक है तुम यहाँ पे स्टेज पे हो कि तुम मुर्शिद सर से पढ़ सकती हो, लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो तो मुर्शिद सर से खुल के पूछ लेना क्योंकि सर जो है उन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं जो एकदम खुल के पढ़ते हैं। तो बोलना हाँ, झूठ बोलना मुर्शिद सर को बिल्कुल पसंद, जो बच्चे झूठ बोलते थे ना वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल। तो हाँ, वहीं से मेरी तैयारी शुरू हुई, मैं 2019 में तैयारी शुरू करी थी, तो जब तैयारी शुरू की तब तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब मेरा शुरू हो गया तैयारी तो एक ये था कि नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट चांस, आई हैव टू डू इट, सो मैंने ये करा। और मैंने जब एग्ज़ाम को 3rd और 4th मंथ बसे हुए थे तो जैसे मैं स्कूल भी जा रही थी। अच्छा, माल बाबू मेमोरियल बोर्डिंग स्कूल भी जाती थी और साथ ही साथ? नहीं, जैसे मैं सुबह के 6 बजे से 8:45 बजे तक मुर्शिद सर की कोचिंग होती अच्छा। थी, फिर मेरी 2 बेल छूट जाती थी, मैं यहाँ एक स्कूल है GVPS, अच्छा, मनीष भगत वो सर है, वो मेरे को बचपन से वो भी गाइड कर रहे हैं, तो उनके स्कूल में जाया करती थी, तो मैं वहाँ जाती थी और फिर शाम को 3 बजे फिर मैं कोचिंग जाती थी और वहाँ से 5 बजे आती थी, तो मुझे घर पे भी होम ट्यूशन देने के लिए इंजीनियर सुनील बंसल आया करते थे, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। अच्छा, जिसको बंसल सर के नाम से जानते हैं? जी सर। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बंसल सर, जो हम लोग कई जगह साथ साथ पढ़ाते हैं। हाँ, तो वो मेरे बहुत अच्छे मतलब जो मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किए, और वो मेरे भाई की तरह है क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे इंसान है, जिससे आपके आपने मुर्शिद सर का जिक्र किया, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं बंसल सर, हम लोग साथ साथ कॉमन कई जगह पढ़ाते हैं जी। बताइए और आगे आप अपनी जर्नी को। तो बंसल सर जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए, क्योंकि पहले हिंदी में जो हम लोग पढ़ते थे कि लेट द नंबर बी एक्स, लेकिन इंग्लिश में लेट द नंबर बी एक्स और हिंदी में बोलते थे माना कि, तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी कि कैसे होगा लैंग्वेज, तो उन्होंने मेरा ये ठीक कर दिया। फिर धीरे धीरे हिंदी भी सारा कुछ सुधर गया, तो फिर जनवरी में जब एग्ज़ाम हुआ तो फिर एग्ज़ाम हॉल में लग रहा था कि नहीं, दिस इज़ द चांस कि इसी बार करना है, मतलब मेहनत रंग लाई, फिर रिज़ल्ट आया तो बहुत खुशी हुई सबको, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, जून में रिज़ल्ट आया, सबको बहुत खुशी हुई, तो यही मेरा जर्नी था। चलिए, हमें ये बताइए कि आपका ये कहना है कि जैसे बहुत बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो उन्हें लैंग्वेज समझने में दिक्कत होता है कि हम हिंदी सब दिन पढ़े हैं, अब इंग्लिश में कैसे करेंगे, आपके साथ में उल्टा हो गया कि आप इंग्लिश में बचपन से पढ़ी थी और हिंदी समझने में आपको दिक्कत हो रहा था। हमें ये बताइए बाबू कि चेंजिंग क्या क्या आया है नवोदयन बनने के बाद और बिफोर द नवोदयन, क्या क्या चेंज आया है आपके जीवन में? यहाँ के स्कूल्स में और वहाँ के स्कूल्स में बहुत अलग अलग डिफरेंट, ये है डिफरेंस कि यहाँ पे हमारे मैथ साइंस पे तो ध्यान दिया जाता है लेकिन अदर एक्टिविटीज़ को नहीं उभारा जाता है जो कि वहाँ अच्छे से किया जाता है। वहाँ पे स्पोर्ट्स का ध्यान दिया जाता है, फिर हम लोग को कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, केमिस्ट्री लैब है, सब कुछ है, सीनियर्स के लिए भी है, जूनियर्स के लिए भी है, तो उन सब का एक अलग महत्व है जो कि बच्चों को अच्छे से अदर एक्टिविटीज़ में भी वेल करने के लिए कोशिश करते हैं। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे से हैं, जैसे वहाँ के टीचर्स को ये नहीं होता है कि मेरा इतना बजे तक की टाइम है तो तुम इतने बजे तक के डाउट्स पूछ सकते हो, मतलब कभी भी आप पूछ सकते हैं। अब जैसे हमारे हाउस, जैसे हमारे हॉस्टल्स हैं तो उनसे सटे हुए जो क्वार्टर्स हैं मैम लोग के, तो उन लोगों का कहना है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस एनी टाइम। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें एक बात और बताइए कि मतलब जो है पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है आपके स्कूल में और जिसमें आप खास करके भाग लेती हैं, वो क्या क्या है? जैसे स्केचिंग हुई। हाँ, स्केचिंग हुई। अभी डांसिंग में कुछ खास नहीं है, सिंगिंग है। सिंगिंग का प्रॉपर क्लास करवाया जाता है? हाँ, उसकी बेल होती है और कुछ, लेकिन मैं इस साल उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करा है, बट नेक्स्ट ईयर करूँगी। और खेल सब में क्या क्या होता है? खेल में वॉलीबॉल, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सब NCC के लिए भी होता है।
अच्छा, तो ये प्रॉपर तरीके से आपके विद्यालय में कराई जाती है जी। एक होता है कि कभी कभी करवा दिया, एक होता है कि नहीं रूटीन मेंटेन, रूटीन में है। अच्छा, रूटीन मेंटेन करके करवाया जाता है। चलिए हमें ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मतलब मुझे सारे सब्जेक्ट से अच्छे लगते हैं, जैसे मैथ्स भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, स्पेशली अगर कहा जाए तो मैथ्स अच्छा है। अच्छा, मैथ्स आपका अच्छा है, और मैथ्स आपका अच्छा बना इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अगर एक इंसान को क्रेडिट देना चाहे तो किसी एक को अगर देना चाहे तो मुर्शिद सर को दिया जाए। हमें ये बताइए कि आपकी मम्मी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि हम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए हैं पढ़ाई में भी, खास करके मम्मी से कितना सपोर्ट मिला आपको स्टडी में? मेरी मम्मी से बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि मम्मी हमेशा से बोलती हैं कि पढ़ाई जो है वही जीवन है, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आगे बहुत सारे रास्ते हैं, सो एजुकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो बोलते हैं कि माँ बाप जो है कभी अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं मम्मी से कोई नहीं पढ़ सकता है, पापा से कोई नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये मानती है कि मम्मी पापा अगर चाहे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तो सपोर्ट कर सकते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। टीचर के बारे में बताइए कि टीचर आपका फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट टीचर एकता नंदी मैम है। जो क्या पढ़ाती हैं? वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। अच्छा, और हमें ये बताइए बाबू कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह? मेरी बेस्ट फ्रेंड वैसे मेरी हाउसमेट है, उसका नाम तनुजा है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। क्लासमेट है आपने? हाँ, क्लासमेट है। चलिए हमें ये बताइए कि घर से बाहर यानी कि आप बचपन से अपने मम्मी पापा के साथ रही है, लगभग जो है आपकी उम्र अभी कितना 12-13 के आसपास हुआ होगा, 14 मेरे ख्याल से, तो लगभग 13-14 साल आप मम्मी के साथ रही हैं, पापा के साथ, अब एक साल से घर से दूर है, तो घर को मिस करती हैं, मम्मी पापा को कितना मिस करती है इसके बारे में ज़रा हमें बताइए, या कि अब वहाँ आदत होगी आप मिस नहीं करती हैं? आप नहीं, मिस तो बहुत करते हैं मम्मी पापा, भाई सबको ऐसा आता है कि सोने से पहले मम्मी पापा को याद करते हैं, उठने के बाद मम्मी पापा को याद करते हैं, खाने बैठते हैं तो मम्मी पापा को याद करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तब तो कॉन्सेंट्रेट करना होता है। बिल्कुल, यानी कि सब हमको लगता है कि एक साल में अगर सबसे लंबी छुट्टी कही जाए तो 2 महीने की छुट्टी आप लोगों को मिली है, तो मम्मी पापा के साथ में टाइम स्पेंड करके कैसा लग रहा है? फिर अच्छा वापस आपको जुलाई में लगता है जाना पड़ेगा, जुलाई में ही ना जाना पड़ेगा? 3-4 दिन में स्कूल खुल जाए। 3-4 दिन में स्कूल खुल। हमें ये बताइए आपका एम क्या है, क्या बनना है आपको अपनी लाइफ में? मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन मैं उससे पहले IIT क्रैक करना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर आपको बनना है लेकिन उससे पहले IIT क्रैक करना चाहती है। हमें ये बताइए कि IIT अभी आप 8th स्टैंडर्ड में या 7th में? 8th में आप हैं, तो IIT और IAS के बारे में आपको कैसे पता चला? जहाँ तक हमको पता है कि बच्चे जब 10th क्रॉस कर जाते हैं, 11th-12th में जाते हैं, तब वो सुनते हैं IAS IPS बनना है, IIT क्रैक करना है। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप अभी बोल रहे हैं कि हमको IIT करना है, IAS क्रैक करना है? मेरे पापा का सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, और मतलब मेरे हर जैसे मेरे मामा जी हैं उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट करा है, वो इंजीनियर है और उनका नाम राजेश रोशन है, वो पटना में वेल सेटल्ड है। अच्छा, और उनका कहना है कि नहीं तुम कुछ अलग हो तो तुम सिविल सर्विसेज में ही जाओ। और अब बात करी जाए IIT की, तो मेरे एक कज़न है मेरे बुआ के बेटे, वो IIT बॉम्बे से हैं और वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं मेरे घर से है तो मुझे भी करना चाहिए। यानी कि आपका दोनों एम है, अगर IIT क्रैक हो गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हम UPSC की प्रिपरेशन IIT के बाद में UPSC ट्राई करूँ। अच्छा, तो कोई शिकायत आपको अपने विद्यालय से, कोई कमी मतलब लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा सा कम हो रहा है, इस तरह की कोई बातें आपको नज़र आई वहाँ पर जहाँ पर आप पढ़ रही हैं? नो सर, मुझे लगता है कि मेरा स्कूल जैसा होना चाहिए, मेरे सपनों का स्कूल कहा जाए अगर तो वो सही होगा, वो पूरे तरीके से एकदम जो पूर्ण तरीके से होता है वो है, उसमें सब सुविधा है। अगर आपको जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ के स्कूल में दिक्कत होती है कि बच्चों को कुछ अगर स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ परचेज करना है तो दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंदर हमारे स्कूल में कैंटीन भी है, तो उससे आप अगर आपको स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ परचेज करना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न हमें ये बताइए कि जो बच्चे इस वक्त नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन सैनिक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप उस स्टेज को क्रॉस कर चुकी हैं तो आपको पता है कि सफल कैसे होना है। अगर हम बात करें सफलता की, तो आप जिस स्टेज में हैं, तो जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक किया है जो कि इंडिया लेवल पर होता है,
उसको आपने क्रैक किया, तो हम आपको सफल मानेंगे अभी के दौर के लिए। तो आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, किनको ज़्यादा वेटेज दे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि नेवर गिव अप। जैसे हम जब शुरुआत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100 में हमें 95-96 नंबर ही आए, हो सकता है कि 85 भी आए। तो कभी हार नहीं माननी चाहिए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और धीरे धीरे जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसमें कुछ ज़्यादा वर्क करना चाहिए, तो देन हम लोग उसको सुधार सकते हैं और इससे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए एक आखिरी और प्रश्न, इस पूरे सफलता का श्रेय अगर एक इंसान को देना होगा तो किसको देंगे? ये मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। चलिए हम भी सोच रहे थे कि आपका जवाब यही होना चाहिए। आंटी जी आखिरी प्रश्न, उन पेरेंट्स को, आप एक खुद पेरेंट्स हैं, एक बेटा और एक बेटी की आप माँ हैं, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि बेटी को कितना ज़्यादा मिस करते हैं, बेटी आपके पास में नहीं है, कितना मिस करते हैं बेटी को? पहले आप उनको पढ़ाती थी, घर में खिलाती थी, पिलाती थी, सारा केयर करती थी, क्या कभी मन में ये होता है कि बेटी घर से दूर है, कैसे केयर होता होगा, पढ़ाई करती होगी, खाना समय से खाती होगी, इन सब बात का ख्याल आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत आता है। और हमें आंटी जी ये भी बताइए कि उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं ये तो बेटा है, इसको पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना, ये तो बेटी है, ये तो किसी के घर जाएगी, चूल्हा चौका करेगी अपना, इसको पर्दा प्रथा में रखना, उस गार्जियन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि बेटा और बेटी में फ़र्क ना करें। आजकल के युग में बेटा से ज़्यादा बेटी को मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि बेटी को लोग बहुत पिछड़ा समझता है और जिस कारण से बेटी की हत्या होती है, बहुत सारी मतलब समस्याएं आती है जिसके कारण बेटी बहुत पीछे हो जाती है। और मैं कहना चाहूँगी कि बेटा को तो पढ़ाना ही है, बट बेटी के पढ़ाई में भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि कल हो के वो अपने ससुराल में मतलब क्या कहा जाए, उत्पीड़न ना सहे और वो अपने पैर पे रहे, ताकि अब खुद का कम से कम सुरक्षा कर सके। और जहाँ तक कहावत एक भी है ना कि अगर बेटा सफल हो गया तो एक घर सुधरेगा, और बेटी अगर सफल हो गई तो दोनों घर सुधरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा अदिति की मम्मी से और अदिति से बात करने के बाद, और हम उम्मीद कर रहे थे कि इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, जो भी मेरे मन में क्वेश्चन थे अदिति को लेकर के। मुझे एक बात और बोलनी है। जी बोलिए। मैं अपनी बेटी पे बहुत गर्व करती हूँ और उन्होंने मेरी सपना को पूरा किया, उम्मीद है कि आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से ये मेहनत करेगी, देखिए सब कुछ तो मेहनत पर है, अगर ये मेहनत करेगी और इनको एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, और नवोदयन स्कूल से अच्छा मार्गदर्शन कहाँ हो सकता है, जहाँ से काफ़ी सारे बच्चे IAS IPS IIT क्रैक करते हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि मेरी एक सिस्टर है जो अभी डॉक्टर बनी है। तो बहुत अच्छा लगा अदिति और इनकी मम्मी से बात करके। आप सभी से विदा लेने का वक्त हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। और एक छोटी सी बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि कुमार सर, जिसका जिक्र बार बार मेरे चैनल पर होता है, तो सर का भी एक यूट्यूब चैनल बन चुका है इंग्लिश अकेडमी त्रिवेणीगंज के नाम से। तो बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर कुमार सर का चैनल कब क्रिएट होगा, कुमार सर का चैनल कब क्रिएट होगा। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने मिलकर यह फैसला लिया कि नहीं, एक चैनल ऐसा होना चाहिए जिस पर इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियो आए। जो बच्चे हमारे कोचिंग संस्थान में नहीं पहुंच पाते हैं, घर बैठे उनको ये सुविधा मिले। तो इंग्लिश एकेडमी त्रिवेणीगंज आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो एक नंबर में आपको चैनल दिखेगा, आप जाकर उनको सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपसे विदा लेते हैं।